हेलो शालोम, जय मसीह की। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ, खास तौर से अपने युवाओं के लिए, मसीही युवाओं के लिए। और वो इस संबंध में है कि आजकल जब हम लॉकडाउन में हैं और कोरोना वायरस से फाइट कर रहे हैं, उस समय हमारे पास बहुत सारे मसीही और भ्रमित करने वाले भी वीडियो और टेक्स्ट और मैसेज और ऑडियो हर तरह से आ रहे हैं, जिसमें कि हमें सावधान रहना है कि हमें क्या अपनाना है, बात को क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं। और उससे पहले हम ये जान लें कि बाइबल का वचन हमसे क्या कहता है। बार बार बताता है कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे कि वो चाहे तो चुने हुओं को भी भ्रमित कर ले। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आजकल पिछले दिनों से मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोज़ आए जिसमें बाइबल को कोट करते हुए, मसीह को कोट करते हुए आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये सब करो तब आपको ये बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ज़रा इस बात को भी गौर कर लें कि प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है बार बार, कि सतर्क रहो, सावधान रहो। और जब हमें पवित्र आत्मा प्रभु देता है तो वो उसको परखने की और वो क्या सही है क्या गलत है उसको चुनाव करने की भी हमें बुद्धि समझ देता है। और वो कहता है कि मैं तुझे एक सहायक दे जाऊंगा, यानी कि सत्य का आत्मा। और जब तू कंफ्यूज होने लगे तो वो तेरे कानों में आवाज़ देगा कि मार्ग ये है, इस पर चलो। तो इसलिए आज हमें हर एक बात को फॉलो नहीं करना है। कलाम हमारा जो है वो हमारे लिए राह के लिए चिराग है, ऐसा वचन कहता है। वो हमारे लिए राह के लिए चिराग है और रास्ते को आसान बनाने वाला है। तो आज जब आपके पास इस प्रकार के मैसेज आएंगे कि भाई इतनी तारीख को तुम्हें ये पहनना है, ये रंग का पहनना है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मेहरबानी से सतर्क हो जाएं। और फिर हम याद करें उस यीशु मसीह के बलिदान को। बहुत रिसेंटली अभी आपने और हमने देखा, जब हमने गुड फ्राइडे मनाया है और हमने देखा है और बहुत बार सुना है कि मसीह वो सारा काम पूरा कर चुके हैं। और वो कहता है अपने सलीब पर से 7 वचन में से 6ठा वचन वो बोला भी है कि पूरा हुआ, यीशु मसीह वो काम पूरा कर चुके, वो धार्मिकता का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इन रीति रिवाजों में और इन लंबी चौड़ी बातों में कुछ नहीं रखा है। प्रभु आपके हृदय को देखता है, आपकी आत्मा को देखता है, आपके इंटेंशंस को देखता है कि आप आज क्या हैं, किस नियत से आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके जीवन को, आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, जो कहता है मैं तेरा उठना और बैठना जानता हूँ और तेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। सत्य को जानने वाले लोग जरा ये भी सत्य जाने कि मसीह अब इन बातों से कौन खुश होता है कि आपने किस रंग के पहन रखे हैं कपड़े, कौन से स्वाद का आप खाना खा रहे हो और कौन से स्वाद का नहीं आप खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी जो बातें हैं इनको भूलकर, खासतौर से युवा वर्ग, मैं उन्हें बताना चाहूँगी। क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास भी ऐसे वीडियो और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें बाइबल से ही और मसीही लोगों ने ही भ्रमित ये सब कर रखा है, कन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो वो युवा लोग सच सोच रहे हैं कि हमें ये सब कुछ करना है। और हम जब पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें है कि बहुत सारी धार्मिकताओं की बातों को किया जाता था, मसीह के आने से पहले की बात है, और वो सब उस चीज़ को करते थे। और एक दूरी थी, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, और कहाँ तक व्यक्ति जा सकता है, कहाँ तक उनके धार्मिक करने वाले अगुआ जा सकते, लीडर्स जा सकते, कहाँ तक उनके खास लोग जा सकते, पूरा देखें आप व्याख्या है। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के समय से हम देखते हैं कि वो पर्दा जो था, दोनों के बीच जो गैप था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया, मिल गया, एक हो गया। क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु ने फिर से मनुष्य को और परमेश्वर को एक कर दिया। तो बाइबल के फैक्ट्स पर ध्यान दें कि वो वचन बार बार कह रहा है कि जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया। आत्मा के नए होने से वो प्रसन्न होता है, भोजन के उपवास से नहीं, आत्मा के उपवास से, कि हम अपनी बुरी बातों को त्यागते हुए पूर्णतया नए बन जाए, पूर्णतया नए हो जाए। और अवश्य है कि हम उपवास प्रार्थना भी करें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उपवास प्रार्थना हम नहीं करें, लेकिन मैं ये बात पर गौर कर रही हूँ कि प्रभु हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे इंटेंशंस को, हमारे उठने बैठने को, हमारे सत्य बात को वो पसंद करने वाला परमेश्वर है। तो अब आप इन बातों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ें कि क्या कौन सी तारीख पे है, कौन सा रंग है, कौन सा स्वाद है, क्या खाना है, क्या पीना है,
चुनी हुई बातें जो ये करने वाली बातें आपको बताई हुई हैं वो किसी भी प्रकार से आत्मिक बातें बाइबल के अनुसार बातें नहीं हैं। एक वक्त पे जब मसीह ने बलिदान नहीं किया तो बहुत सारी बातों का पालन किया जाता था, लेकिन आज हम सबको ज़रूरत है कि हम प्रार्थना में रहें, उसकी सुरक्षा में रहें, उसके लहू में अपने आप को ढांप के कवर करके रखें आत्मिक रीति से। ये मतलब नहीं है कि रक्त लेके सचमुच में हमको ब्लड लगा देना चाहो, ये एक सिंबॉलिक बात है कि यीशु के लहू से हम सब नए हो गए और हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। तो जो मसीह की बातें हैं वो बातें आत्मिक बातें हैं, वो शाब्दिक बातें नहीं है, सांसारिक बातें नहीं है। सांसारिक बुद्धि के अनुसार हमको उसको नहीं चलाना है। तो मेरा मतलब है हम समझ गए होंगे, खासतौर से जो बहुत सारे युवाओं ने और बाढ़ लगा देते हैं फॉरवर्ड कर करके मैसेज एक दूसरे के पास डाल डाल के। पहले जांच लें आप उसकी सत्यता को और प्रार्थना करें, प्रभु आपको खुद बताएगा। उसने बार बार कहा है कि मैं तुझे मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो जो भी बात हमें समझ में नहीं आती या हर कोई हमसे कुछ भी बात कहने लगे तो वो हमें फॉलो नहीं करनी है, हमें वही बात फॉलो करनी है जो वचन हमसे कहता है, जिसकी हमारी आत्मा भी माने, जिस बात को उसकी पवित्र आत्मा भी आपको समझाए कि सच है ये बात करना है कि नहीं करना है। और ये सारे बात मसीह पूर्ण कर चुका है। अब वो बस ये चाहता है कि हम मसीह के समान जीवन जिए, दूसरों के लिए प्रेम से भरा हुआ। जो कहता है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि अपने से भी और सबसे भी प्रेम कर अपने समान, है ना। तो यीशु मसीह की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो थी प्यार, कि उसका प्यार सारी मानव जाति के लिए था, सबके लिए था। इतना प्यार, इतना प्यार कि हो नहीं सकता कि कोई किसी के लिए जान दे दे, इतना प्यार। तो वो सब कुछ, वो काम जो पूर्ण कर चुका, आज उसी ज़रूरत है कि हम मसीह के अनुसार स्वभाव बनाएं, ना कि इन सारी बातों में हम उलझते रहें और दूसरों को भी उलझाते रहें। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।